गाइस, गुड इवनिंग। आज शाम को हम बना रहे हैं घुगता। हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा त्यौहार मनाते हैं घुगते त्यौहार। ये घुगते ऐसे बनते हैं ये वाले। तो आज उत्तराखंड का मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, मेला लगता है, और सब लोग आज बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे उधर मायके में बहुत बड़ा मंदिर है, और तो वहाँ आज रात को ही चले गए होंगे। फिर कल सुबह 4 बजे नहा के आएंगे वहाँ से, तब घर आएंगे वहाँ पूजा पाठ करके। और मेला लगता है, आज भी लगा होगा मेला और कल भी लगेगा मेला, और मेरे ससुराल में भी लगता है मेला। 3 दिन 5 दिन लगता है वहाँ। तो उत्तराखंड के जो गाने वाले होते हैं और जो नाटक वगैरह करते हैं, उत्तराखंड का मेला लगता है, सब कुछ उत्तराखंड का जो जो वो होता है ट्रेडिशनल चीज, वो सब वहाँ पे आते हैं, मेला लगाते हैं, और 5 दिन लगता है वहाँ पे। और ये मैंने सूजी और गेहूं का आटा, और इसमें घी डाला, गुड़ डाला, दूध में गुड़ पका के वो डाल के इसमें बना दिया है मैंने, और आटा गूंद के। अभी इसको ऐसे लोई बनानी है इसकी, ऐसे आप डिजाइन कैसे भी बनाओ इसका, ऐसे डिजाइन करके फिर इसको तेल पे तलना है। ऐसे करके बनाते हैं ज़्यादातर हमारे इधर, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ऐसे इसको बना के थोड़ी देर ऐसे ही रखना है इसको, और ये रात को बना के रखने हैं। सुबह 4 बजे उठ के नहा के कौवे को खिलाना है। पूस, आज पूस है, कल माघ आ जाएगा। पूस की रोटी माघ का, फिर वहां पे छत में जाके चिल्लाना है, गाना गाना है, पूसे की रोटी मांगे खा, आ कौआ आ करके चिल्लाना है। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले देना है कि कौआ हमारी रोटी सबसे पहले खाए। अभी मैंने घुगते वाले ये बना दिए हैं, इतने काफी होंगे ये मंदिर में चढ़ाने के लिए और कौवे के देने के लिए। ये हो गए मेरे घुगते। और ये डिजाइन वाले अब मैं अकेले कितना बनाऊंगी, इसीलिए मैंने अब ये वाले चॉकलेट की तरह मैं इसको बना के रखूंगी, और इसको फिर फ्राई करके, तब ये अलग टेस्ट तो एक ही रहेगा, बस डिजाइन अलग हो जाएगा इनका। और इसकी जो घुगते जो है, इसकी माला बना के बच्चों के गले में डालते हैं आज सभी लोग, बच्चे के गले में टांग के मेरी माला। जितने भी बच्चे होते हैं घर में उतने ही बनाते हैं। हमारा तो आकाश ही है छोटा, तो उसी के गले में एक टांग देंगे, हो जाएगा। और ऐसे करके काटना है इसको, ऐसे डिजाइन बना के। घुगुती नबासा आमा की डाई मा गुगुती नबास। ये बर्फी की तरह लग रहा होगा ना, ये एक दूसरे पे चिपकेंगे नहीं। अभी इसको फ्राई करके रख देंगे ना, ज्यादा दिन तक मतलब स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं डला है। दूध, गुड़ और काजू किशमिश थोड़ा पाउडर करके उसको डाल देना है, और इसमें घी से थोड़ा पहले घी से आटा गूंदना है। उसके बाद दूध में मैंने गुड़ पका दिया, गुड़ से उसको इतना सा, एक लोटा दूध में जितना इसमें गुड़ चाहिए और गूंद के मैंने ये कौओं के लिए फ्राई कर देती हूँ। ये सुबह 4 बजे उठ के इनको कौओं को देना पड़ेगा, और थोड़ा मंदिर के लिए ये ऐसे, ये हो चुके हैं फ्राई। इनको पहले ही अलग रख लेना है। पूड़ी भी बनाऊंगी उनके लिए, और ये घुगते, पूड़ी और घुगते सुबह सुबह उठ के 4 बजे छत में लेके आएंगे। और ये मंदिर के लिए, ये मंदिर में रखने के लिए और ये खजूरे तल दिए हैं, और ये घुगते तल दिए हैं। अभी दोनों चीज ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, तब तक पूड़ी तलती हूँ। और ये बन रही है मेरी पूड़ी। और गाइस, मैं बना रहा हूँ सब्जी अपने लिए, क्योंकि मम्मी ने बनाई है पालक को एकदम फ्रीज फास्ट के उसका झूल। Thank you.
पता नहीं कहाँ चले गए रात में ही, चूहा होगा शायद, बड़ा बड़ा चूहा है घर में ना, तो वही लेके गए होंगे शायद, वो तो बचा रखे, यही देख के आती हूँ कौवे को कितनी है। वाह, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा बाहर में, इतना ज्यादा ठंड है, कुछ दिख नहीं रहे वहाँ ऊपर जाने में। और क्या बोलते हैं, कौवे को भी नजर आएगा कि नहीं आएगा, आज तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कुछ, और इतना ज्यादा कोहरा लग रखा है। आकाश आगे आ रहे हैं, आ जल्दी दरवाजा बंद कर दे। बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, और बर्फ पड़ रही है शायद चारों तरफ, इसलिए ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। तो पहले देख के आते हैं कौओं को। बिल्डिंग भी नहीं दिखाई दे रही है, कैसे दिख रहा है, काला काला, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा, काला सफेद जो भी है दिख तो नहीं रहा आगे में कुछ भी। अरे राम यार, एक बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, देखना सामने में कुछ दिख रहा है, किसी की बिल्डिंग नहीं दिख रही है। सोचेंगे ना घर है, घर के ऊपर नहीं आएंगे तो दीवार पे रख देते हैं, दीवार पे जल्दी बैठते हैं ना कबूतर, कबूतर नहीं सॉरी कौवा, का कौवा का पूसा की रोटी माँ के खाइए कहना पड़ता है, कल पूस था, पूस की रोटी है ये, माँ में खिलाते हैं कौवे को, तो यही बोलना पड़ता है। अलग अलग जगह रख देती हूँ, शायद अलग अलग जगह से खा लेंगी। ये मैंने रख दी है रोटी, और कौवे को कहाँ से बुलाना है, कौवे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं आज तो, यहाँ तो मैंने देखे भी नहीं है कौवे आते हैं कि नहीं। इस तरफ तो थोड़ा दिखा रहे बिल्डिंग, उस पीछे तरफ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कोहरा कोहरा। बोल अक्कू, बोल। A few moments later. ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, नीचे जाके जल्दी टोपी और सॉक्स पहनना है, नीचे ठंडा लग रहा है यहाँ तो बहुत, ना के अभी एकदम से, और कौवा आके जल्दी खा जाए। वो आ गई, एक तो देखिए चिड़िया आ गई, वो चिड़िया आई है, कबूतर नहीं आना चाहिए, ओ आ भी गई, एक तो आके खा रही है, ओ आजा आजा, वो देखो ले गया, एक ले गया, एक ले गया, आगे आगे दो तीन, आपको देखना, चलो यार कौवे को खाना चाहिए, वो भी कौवा जैसा ही है, क्या कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में आते नहीं, मुझे लग रहा है करवा कौवा, कौवा करवा बोल रही हूँ, वो देख खाने तो लगे कम से कम, कोई तो खा रहा है, का कौवा का पूसा की रोटी मांगे खा, देख खा रहे हैं तू, खा रहे हैं खा रहे हैं, अब वो खा लेंगे पूरा, चलो हम चलते हैं, ठंडा हो गया ज्यादा, आज ये आकाश से उल्टे काम, वो पाइप के ऊपर चढ़ रहा है, इधर लेके खा रहे हैं, यहाँ छुप के खा रहे हैं, देखना वहां से लेके यहाँ छुप के खा रहे हैं, ये देख इधर छुप छुप के, वहां से लेके आ रहे हैं और यहाँ छुप के खा रहे हैं ये लोग, देख बहुत ठंड बा, कुंडी किसने लगाई थी, ये देखो कबूतर ही लग रहा ना, ये भी कबूतर नहीं लग रही होना, वेलकम कबूतर, और हम कौवे को देके आ गए हैं, ये बन चुके हैं घूघते, और ये है माला, कैसी लग रही है घूघते की माला, एक आकाश के लिए बनी हुई है, और ये आकाश के लिए बना रखी है मैंने, अभी आकाश नहाने गया हुआ है तो आके उसको पहना दूंगी ये माला, और खुशी तो बोला मैं नहीं पहनूंगी,
तो इसमें मैंने पोलिथीन में भर के रख दिए, किसी के लिए नहीं बनाई है, इसी में डाल दिया मैंने सारा, और जब खाना होगा फिर इसी में से खा लेंगे सारा। अभी आकाश आ गया नहा के, तो अभी मैं आकाश के गले में डालूंगी और ये निकाल के, मेरा गला है मोटा, अभी मैंने घुसा तो दिया, अभी निकालने के लिए परेशानी। क्या हो रहा है आकाश, कौन सी बर्फ बारिश आ रखा था? गीजर ऑन नहीं करा, ठंडे पानी से नहा के आया हूं। अयो फंस मेरे आकाश, मैंने तेरी माला गले में डाल दी, मेरा गला मोटा है, अभी निकालने के लिए हो रही है परेशानी। ये देख जल्दी ना कपड़े पहन के तेरे गले में डाल दूंगी। गुगुती नवास अमा की दाई माँ गुगुती। थोड़ा मंदिर जाके आते हैं, थोड़ा खिचड़ी दान करके आते हैं, पंडित जी को देखे आते हैं और फिर मिलते हैं घर, थोड़ा मंदिर में जाके। और अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और मंदिर के बाहर में ये छोटी सी दुकान है, यहाँ पे सारा मंदिर का सामान मिल जाता है, जो भी आइटम होता है शनिदेव का और शिव जी भगवान का, जो भी माता का होता है सारा मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ थाली तैयार करवा लेते हैं, और हमारे यहाँ बगल में ना छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो कह रहे हैं आंटी भूख लगी हुई है थोड़ा बिस्किट दिला दो, तो इनको बिस्किट दिला देते हैं छोटे बच्चों को। और पहले दो तीन ही बच्चे थे यहाँ पे, अभी बिस्किट देने लगे तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, और सभी को हमने बिस्किट दे दिया हुआ है। और ये हमारी सोसाइटी की मैडम आ चुकी हैं यहाँ पे, वो भी अपनी थाली तैयार कराने के लिए बोल रहे हैं भैया को। और ये फूल भी यहीं से लिए हैं, और ये चढ़ाऊंगी मैं ऊपर मंदिर में जाके सब जगह पे। और अभी हम मंदिर में पूजा करके, पंडित जी भी होंगे यहीं पे, उन्हीं को दान दे देंगे पंडित जी को। और ये है विंध्यवासिनी मंदिर, ये हमारे सोसाइटी में जो बगल में मंदिर है विंध्यवासिनी, वो मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। तो भगवान सभी को मकर संक्रांति पे हमेशा सुखी शांति दे भगवान हमेशा। और ये है पंडित जी, पंडित जी से टीका लगा लेते हैं और इन्हीं को दे देंगे सामान जो लाए हैं हम लोग। 5 minutes later और ये हमारे नीचे में जो संगी दुकान है वो वाली दुकान है, और सुबह सुबह ताजी फ्रेश सब्जी आती है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहीं से खरीद लेते हैं। सुबह में सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे, राशन वगैरह जो भी फल फ्रूट लेने होते हैं, और बच्चों के छोटे मोटे आइटम जो होते हैं, और वो सब यहाँ पे मिल जाता है, तो यहीं से हम लोग खरीद लेते हैं सुबह में। शाम तक ख़त्म हो जाती है इसलिए सुबह ही ले लेते हैं हम लोग। और ये मैंने मटर और लौकी और कद्दू खरीद लिया यहाँ से, और फिर दूसरे दिन फिर नई ताज़ी सब्जी आ जाती है, फिर दूसरे दिन नई ले जाओ। और अभी हम घर पहुँच चुके हैं, और हम मंदिर से आ चुके हैं अभी, और ये आकाश के गले में अभी घुगते की माला डाल दी है। और हमारे यहाँ का ये त्यौहार ऐसे ही होता है, घुगती त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाते हैं, आज तो बहुत बड़ा वो पर्व होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।